अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर ज़ैदी की बुक का चैप्टर नंबर 23, जो हम पहले दो पार्ट कवर कर चुके हैं, आज हम इसका थर्ड और लास्ट पार्ट जो है कवर करेंगे आज के लेक्चर में। 23rd चैप्टर जो है बेसिकली वो भी सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें हमने रीजनल और इनकम इनइक्वालिटीज़ को डीपली एनालाइज किया था। ठीक है, अब देखते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनकम इनइक्वालिटीज इन पाकिस्तान, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो इनइक्वालिटीज़ के ऊपर है। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप्स की हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो इनकम इनइक्वालिटी है, फिर उसके अलावा हमारे पास जो एसेट इनइक्वालिटी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटी हैं जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी रिकॉर्डेड एज चेंज इन इनकम पर कैपिटा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी किसी कंट्री की हम देखते हैं या इकोनॉमिक हेल्थ किसी भी कंट्री की देखते हैं, तो हम उसकी इनकम को देखते हैं। इसी तरह जिस तरह हम आम किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमिक कंडीशन को हमने देखना हो, तो हम देखते हैं कि उसकी वेल्थ कितनी है या उसकी इनकम कितनी है, मंथली या एनुअली उसकी इनकम जनरेशन कितनी हो रही है। ठीक है, इसी तरह मुल्क के हिसाब से भी जब हम किसी कंट्री के लेवल पर भी देखते हैं, तो हम यही कहते हैं कि किसी कंट्री की जो एनुअल इनकम है उस वो डिपेंड करती है उसकी जो एनुअल ग्रोथ है या एनुअल उसकी हेल्थ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। 2021 से 2022 के दरमियान की एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें उन्होंने बताया है कि मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, मिडिल इनकम नेशंस, वो इनकम नेशंस हैं जिनकी जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो $1,046 टू $4,995 है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इस रेंज को देखें तो पाकिस्तान का जो GNI है, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पाकिस्तान की जो है वो $1,045 है। ठीक है, 2020 का जो डाटा है वो हमें बताता है कि हमारी ग्रॉस नेशनल जो इनकम है वो $1,045 है। सो हम लाइक करते हैं, हम कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान एक मिडिल इनकम कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान का मिडिल इनकम कंट्री होना जो है वो एक हम अगर हम ओवरऑल फिगर देखें तो हम एक मिडिल लेवल पे हैं, हम ना तो बहुत लोअर पे हैं ना ही अपर पे हैं। लेकिन हम अगर अपनी पावर्टी के लेवल्स को देखें कंट्री के अंदर या इनइक्वालिटी के लेवल्स को देखें, तो वो एवर इमर्जिंग है। ठीक है, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं टाइम पे, लोग उनके दरमियान जो हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, वो एवर इंक्रीजिंग इशूज हैं अमंग पुअर पॉपुलेशन। Why does Pakistan have a rising poverty as a number of children, women, men remaining hungry or at high risk of hunger? ठीक है, हम अगर हमारी अगर हमारी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है, तो फिर पावर्टी के लेवल्स जो हैं वो क्यों जो है वो डिक्लाइन नहीं कर रहे, या एवर इंक्रीजिंग पावर्टी क्यों है? लोगों की जो हम दरमियान जो हंगर है या उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल क्यों नहीं की जा रही? ठीक है, सो लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज माल नरिश्ड। जहाँ हमें डाटा बताता है कि अराउंड 40% ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स जो है वो माल नरिश्ड हैं। 10% चिल्ड्रन इन पुअर फैमिलीज कंटिन्यू टू डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे। ठीक है, सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर। 10% जो हैं वो बच्चे अपने 5 साल पूरे करने से पहले ही वो माल न्यूट्रिशन की वजह से या प्रॉपर उनकी जो अप ग्रूमिंग है विद एक्यूरेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज वो उनकी नहीं पूरी होती, उनकी डिमांड, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फिर एक्सक्लूशन फ्रॉम मिनिमल स्कूलिंग द मेन वाइड स्प्रेड। ठीक है, स्कूलिंग का बहुत इशू है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है कंट्री में। एक इलिटरेसी भी मेजर फैक्टर होता है लो इनकम जनरेशन का, क्योंकि जब आपके एजुकेशन का जैसे जैसे आपकी एडिशनल स्कूलिंग बढ़ती है, तो आपकी कैपेसिटी टू अर्न मोर जो है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो एक्सक्लूशन फ्रॉम मिनिमल स्कूलिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पावर्टी की प्रोविजन में। मोर देन 3/4 ऑफ द यंग फीमेल्स आर नॉट एनरोल्ड इन मैट्रिक। ठीक है, अगर हम जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक देखें तो 3/4 जो यंग फीमेल्स हैं वो एनरोल्ड नहीं है, नहीं होती मैट्रिक की, जो यानी 10th ग्रेड जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो कंप्लीट नहीं करती। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू हैज़र्डियस लेबर अनपेड वर्क। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे कंट्री में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बच्चे इवन स्कूल में इनरोल ही नहीं होते हैं, या फिर इनरोल करके भी वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करना होता है, वो
कमा के लेकर आते हैं, ठीक है। सो ऑल अबाउट फैक्ट शो स्वेयर इनकम इनइक्वालिटी इन द कंट्री। ये सारे फैक्ट्स जो हैं, अगर हम चाइल्ड लेबर को देख लें, पावर्टी को देख लें, ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटी है उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल डिफरेंशिएटेड रिटर्न्स। सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इसके साथ साथ अगर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल की, तो वो भी बहुत हमारी जो है वो डाइवर्सिफाइड है। डिफरेंशिएटेड रिटर्न्स टू दीज एसेट्स ड्यू टू एंटी लेबर इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। अब लेबर पॉलिसीज जो हैं हमारी कंट्री में वो इतनी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, या इतनी स्ट्रॉन्ग लेबर पॉलिसीज नहीं है, डिफरेंशिएटेड हैं, जो कि जिनकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। एसेट्स एंड रिटर्न्स ऑन एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू दोज हु आर ऑलरेडी बेटर ऑफ, ठीक है। एसेट्स और साथ साथ एसेट्स ऑन रिटर्न्स, ठीक है, सिर्फ उनको उनकी तरफ ट्रांसफर किए जाते हैं जो पहले ही बेटर ऑफ होते हैं, जिनको उनकी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोग ऐसे सब्सिडीज भी ऐसे पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को दी जाती है जहाँ पे जिनको उस सब्सिडी की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर डीजल पे सब्सिडी देते हैं तो ऑब्वियसली डीजल सिर्फ वो इंसान यूज़ करेगा जिसके पास एक बड़ी गाड़ी है, ठीक है, हैवी इंजन वाली गाड़ी है, जिसके पास वो डीजल को यूज़ करेगा। सो उसको अगर सब्सिडी ना भी मिले, बल्कि अगर फूड प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी मिले ताकि जो पुअर हैं वो फूड की अवेलेबिलिटी उनके उन तक इंश्योर करवाई जा सके, वो ज़्यादा ज़रूरी होगी। फिर इसी तरह अगर फर्टिलाइजर्स को और इरिगेशन वाटर इन प्रोपोर्शन टू फार्म साइज, ठीक है, इसी तरह जो रूरल एरियाज हैं उनमें फार्म साइज की बेस के ऊपर सब्सिडीज दी जाती हैं टू द फार्मर्स। अब जितना बड़ा जिसके पास लैंड होगा उसके उतनी ज़्यादा पोर्शन ऑफ सब्सिडी उसको दी जाएगी। तो ऑब्वियसली हमने जो जब एग्रीकल्चर के चैप्टर्स देखे थे तो उनमें हमने पढ़ा था कि जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास या लैंड लॉर्ड्स हैं उनके पास कई हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो होती है, ठीक है। सो उनके ऊपर वो उन्होंने टेनेंट्स हायर किए होते हैं और वह टेनेंट्स जो हैं वो जो खेती बाड़ी का काम है वो करते हैं, ठीक है। सो इरिगेशन उनके और वही जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको ऑब्वियसली सब्सिडी की ज़रूरत नहीं होती वाटर की या इरिगेशन की या फर्टिलाइजर्स की, किसी चीज़ की उन्हें सब्सिडी की ज़रूरत नहीं होती या नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन वही सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑफ सब्सिडी जो है वो लेते हैं। सो ये भी एक बहुत एक मेजर टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है अमंग रूरल एरियाज। एज कम्पेयर टू मार्जिनल एंड स्मॉल फार्म्स, लार्जेस्ट फार्म्स डिवोट अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ क्रॉप एरिया, ठीक है। अगर मार्जिनल और स्मॉल फार्म्स की बात करें हम, तो लार्जेस्ट जो फार्म्स हैं डिवोट लार्जेस्ट शेयर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। जाहिर है जितना बड़ा फार्म होगा उसकी क्रॉप की जनरेशन या उसकी यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। एरिया ऑफ वाटर इंटेंस क्रॉप कैश क्रॉप्स कॉटन लाइक कॉटन एंड शुगर कैन, ठीक है। इसी तरह जितने बड़े फार्म्स होते हैं वो वाटर इंटेंस क्रॉपिंग को करने को प्रेफर करते हैं क्योंकि वाटर के ऊपर उन्हें सब्सिडी मिलती है, ठीक है। सो वो जो जिस हैवी जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनकी ग्रो करने को या को प्रेफर करते हैं, जैसे कि कॉटन हो गई या शुगर कैन होगी, ठीक है। दे रिसीव लार्जर शेयर ऑफ अनडिजर्व सब्सिडी, ठीक है। वो डिजर्व तो नहीं करते सब्सिडीज को, लेकिन वो सब्सिडीज का एक मेजर पोर्शन जो है वो उसमें से ले लेते हैं। अर्बन एरियाज में सब्सिडीज गिवन टू इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स या गैस यूजर्स, इनको दी जाती हैं। व्हीकल ओनर्स को सब्सिडी दी जाती है, जबकि वो लोग जो है सब्सिडीज को डिजर्व नहीं करते, बल्कि जो लोग बसेस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं उन लोगों को सब्सिडीज दी जानी चाहिए। पॉवर्टी का थ्रेशहोल्ड क्या है? अप्रोच टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज टू काउंट द नंबर ऑफ पर्संस इन दोज हाउसहोल्ड हुज इनकम कैन नॉट परचेज स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन। अब अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी के हम अप्रोच को देखें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमें कहती है कि ऐसे हाउसहोल्ड का नंबर को काउंट करें हम जिनमें जो इनकम को इनकम जनरेट कर रहे हैं लेकिन उनकी इनकम जो है स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कंजप्शन को फुलफिल नहीं करती, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कंजप्शन जो है वो भी हम न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी कैलोरी इनटेक जितनी भी डिमांड है एक पर्सन की उसकी बेस के ऊपर उसकी हम कंजप्शन लेवल को डिफाइन कर लेते हैं। मीन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इज अ सुटेबल बेंचमार्क, ठीक है। इसके लिए अब एक जो साइंटिस्ट ने एक बेंचमार्क निकाला है वो मीन एक्सपेंडिचर है, यानी मीन एवरेज एक्सपेंडिचर पर कैपिटा,
पर कैपिटल जितना भी हाउस होल्ड हैं उनके पर हेड जो एक्सपेंडिचर आ रहा है कैलोरी इनटेक का, ठीक है, वो एक सूटेबल बेंचमार्क बना दिया है व्हेन वी कंसीडर कंजप्शन लेवल डिजायरेबल टू अवॉइड पॉवर्टी, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि इस फैमिली को कितनी इनकम की ज़रूरत है ताकि ये पॉवर्टी के लेवल से अप हो सकें या अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरी इनटेक की वो फुलफिल कर सकें। इन्फ्लेशन रेज द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, इसी तरह इन्फ्लेशन जो है जब भी इकॉनमी के अंदर आती है, हमें पता है कि आजकल भी पूरी दुनिया में इवन रिसेशन आया हुआ है और साथ साथ इन्फ्लेशन भी है, तो यानी इन्फ्लेशन होती है एवरेज इंक्रीज ऑफ प्राइसेस, ठीक है, ओवर द टाइम। सो इन्फ्लेशन के राइज होने से भी मंथली एक्सपेंडिचर्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। जो लोग आज से 4-5 साल पहले 10,000 में अपना जो किचन की एक्सेसरीज थी वो अगर लेकर आते थे, तो अब उन्हें वो चीज़ 20,000 में पड़ गई है, यानी डबल इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है विद इन 4-5 ईयर्स। सो इन्फ्लेशन के आने से भी हमारे जो कैलोरी इनटेक है या हमारी जो कंजप्शन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर एसेट इनइक्वालिटी है, ठीक है, एसेट इनइक्वालिटी में क्या है कि इनकम रिमेन्स हाईली डिफ्रेंशिएटेड बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड देयर रिटर्न, ठीक है, इनकम जो है रिमेन हाईली डिफ्रेंशिएटेड रहती है, ठीक है, हाईली डिफ्रेंशिएटेड रहती है, क्यों डिफ्रेंशिएटेड रहती है, बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमने लैंड या जो रूरल एरियाज में फार्म की डिस्ट्रीब्यूशन को भी जब देखा तो हमने कहा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स है, वाटर एक एसेट है, ठीक है, लैंड एक एसेट है, फर्टिलाइजर्स जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए फर्टिलाइजर एक एसेट है, ठीक है, सो इन चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल होती है और उनका फिर रिटर्न भी अनइक्वल आते हैं। रूरल और अर्बन एरियाज में जॉब लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू लो इनकम, ऐसे जो वर्कर्स हैं जिनके पास इतने स्किल्स नहीं है या उनकी एजुकेशन बिलो मैट्रिक लेवल है, तो उन पे वहाँ पे वो लो इनकम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। एडिशनल एजुकेशन एक्सपैंड द सैलरी, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कि जैसे जैसे आप एजुकेशन के लेवल इंक्रीज करते हैं, एनुअल एजुकेशन इंक्रीज करते जाते हैं, तो उसी तरह आपकी सैलरीज में भी इंक्रीज आने लग जाता है। बट अनअफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ हाई क्वालिटी स्किल्स इज कंस्ट्रेंट, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जब अनअफोर्डेबल हाई कॉस्ट है हमारी क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है या क्वालिटी ऑफ स्किल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि जो पुअर है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है पॉवर्टी लेवल को जो है वो डिक्रीज करने का कंट्री के अंदर। फिर अनइक्वल एक्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज के अंदर जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, ओनरशिप ऑफ लैंड वाटर क्लेम्स अदर पब्लिक एसेट्स लाइक फॉरेस्ट वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इनकी भी जो अवेलेबिलिटी है रूरल एरियाज के अंदर, यहाँ हम कह सकते हैं कि उनकी एक्सेस जो है वो अनइक्वल है। फिर डिस्पैरिटी इन एग्रीकल्चर इनकम कैन बी वर्स ऑफ सेवरल रीजन, अब अगर एग्रीकल्चर इनकम को हम देखें तो वो ये वर्स ऑफ है कुछ रीजंस की वजह से, वो रीजंस क्या हैं कि मेजॉरिटी जो रेंटेड लैंड है, हमने जब एग्रीकल्चर के चैप्टर्स पढ़े थे फर्स्ट 5 चैप्टर्स उनमें हमने देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो कि टेनेंट्स को देते हैं लैंड लॉर्ड्स फॉर द कल्टिवेशन, वो शेयर जो हमारी क्रॉप शेयरिंग होती है शेयर क्रॉपिंग है उसके बेस के ऊपर देते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द रेंटेड लैंड इज थ्रू शेयर क्रॉपिंग टेनेंट्स गेट ओनली हाफ, ठीक है, सो टेनेंट्स की जो इनकम है वो वहीं पे हाफ रह जाती है क्योंकि हाफ पोर्शन जो वो जनरेट कर रहे होते हैं इनकम का या फिर क्रॉप का वो उन्हें अपने जो लैंड लॉर्ड है उसको देना पड़ता है। फिर एक्सेस टू क्रेडिट एंड वाटर एंड सेल अपॉर्चुनिटीज रिमेन बायस्ड टूवर्ड्स लार्ज लैंड लॉर्ड, फिर क्रेडिट और जो वाटर की फैसिलिटीज़ हैं और सेल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बायस रहती हैं टूवर्ड्स लार्ज लैंड लॉर्ड क्योंकि उनकी एक्सेसिबिलिटी भी सिर्फ लैंड लॉर्ड के पास है। इसी तरह क्रेडिट की जो फैसिलिटीज़ हैं जो फार्मर्स हैं या रूरल एरियाज के अंदर पुअर लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं वो हासिल कर लें क्योंकि वो फाइनेंशियल सेक्टर या अगर फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हैवी डॉक्यूमेंटेशन और साथ साथ हैवी फीस चार्जेस जो हैं उनको वो अफोर्डेबल नहीं होते और ये एक लेंथी सम प्रोसेस होता है फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर अगर वो इनरोल होते हैं। सो वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो अपने किसी रिलेटिव से या फिर लैंडलॉर्ड से ही क्रेडिट हासिल कर लें और उस जब आफ्टर सम टाइम या आफ्टर मैच्योरिटी टाइम जो है वो उसको रिटर्न करें।
अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कंटेंट से रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।